नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके YouTube चैनल टेक्निकल सचिन में। और एक ऑडियो लेकर हाजिर हूँ आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं जब बताऊंगा एक ऐसा पेटीएम का ऑफर बताऊंगा, इस ऑफर से जो है तो आप 100 रुपीज़ जो तो आपके कोई भी बैंक अकाउंट में जो तो ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर जो तो 100 रुपीज़ आपको जो तो कैशबैक अर्न कर सकते हो। इसमें जो तो आपको इस ऑफर में जो है तो आपको 100 रुपीज़ का गोल्ड मिलेगा, सोना मिलेगा, और उस सोने को गोल्ड को जो तो आप डायरेक्टली जो है तो बेच सकते हो, और जो है तो आप उससे जो है तो आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ जो तो ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास यही बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप कोई भी बैंक में जो तो ये 100 रुपीज़ का सोना बेच के जो तो पैसा जो तो आपके सेविंग अकाउंट में जो तो ऐड कर सकते हो। तो आपको भी अगर से 100 रुपीज़ का सोना अगर से जीतना है, या फिर जो तो आपको 100 रुपीज़ आपके सेविंग अकाउंट में अगर से लेना है, तो आप वीडियो को अंत तक देखो, पूरा देखो, ताकि ऑफर का जो तो टर्म्स एंड कंडीशन आपको समझ सके, और आप भी जो है तो 100 रुपीज़ जो तो आपके बैंक अकाउंट में जो है तो जमा कर सके, या फिर 100 रुपीज़ का कैशबैक जो तो आप अर्न कर सके, या फिर 100 रुपीज़ का सोना आप जो तो जीत सके। तो चलिए फिर, मुझे तो अभी आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, वीडियो को सीधा आगे बढ़ाता हूँ। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, और जो तो मैं आपको ऑफर का टर्म्स एंड कंडीशन समझाता हूँ। तो मुझे तो मेरा पेटीएम का अकाउंट ऐसे ओपन कर लेता हूँ, या फिर आप देख सकते हैं मुझे तो पेटीएम का अकाउंट ऐसे ओपन कर ले रहा हूँ। तो मैंने जो तो मेरा पेटीएम का अकाउंट ऐसे ओपन जो तो कर ले, तो जैसे ही आप देख सकते हैं मेरा पेटीएम का अकाउंट ऐसे ओपन हो गया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये ऑफर जो है तो नॉर्मल अकाउंट से उन्हीं के लिए है, जो मर्चेंट अकाउंट से उनके लिए ये ऑफर जो है तो अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो मेरा जो तो मर्चेंट का अकाउंट था उस पर जो ये ऑफर शो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास जो तो दो नॉर्मल अकाउंट से तो उन पर जो ये ऑफर शो हो रहा है। तो मुझे तो यहाँ पर थ्री डॉट पर जो तो क्लिक कर लेता हूँ, नहीं तो फिर कैशबैक पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं कैशबैक पर जो तो क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा 10 पे 10 नियर बाय ऑफर। तो मैं जो तो उस ऑफर को जो तो मैं एक्टिवेट कर ले, आपको जो तो यहाँ पर ऑफर दिखाया जाएगा इस तरीके से। मैं आपको बताता हूँ, 10 पे 10 नियर बाय शॉप यूजिंग UPI। तो ऐसे इस तरीके से जो तो आपको यहाँ पर ऑफर दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको एक्टिव ऑफर पर जो तो क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिव ऑफर पर क्लिक कर लेते हो, तो इस जो है तो माई ऑफर्स पर जो तो आप इस सेक्शन पर जो है तो आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा, मैं इस पर जो तो क्लिक कर लेता हूँ, आपको यहाँ पर बताया जाएगा 10 पे 10 पे एट नियर बाय शॉप्स यूजिंग। तो आपको जो तो यहाँ पर बताया जा रहा है, मैं जो तो व्यू ऑफर पर जो तो क्लिक कर लेता हूँ, और इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है आपको अच्छी तरीके से जो तो समझ देता हूँ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, स्कैन पेटीएम QR कोड एंड पे यूजिंग पेटीएम UPI। मतलब कि आपको जो तो सामने वाले का जो मर्चेंट अकाउंट है, तो उसको जो तो आपको जो तो शॉप पे जाना है, और उसका जो तो QR कोड है, लेकिन आपको जो तो मर्चेंट अकाउंट पे ही पैसा ट्रांसफर करना है, जो तो नॉर्मल अकाउंट पे नहीं करना है। ओके, आपको जो तो मर्चेंट अकाउंट जो तो ढूंढना है, जिसका भी मर्चेंट अकाउंट होगा उसको जो तो ढूंढना है। उसके बाद में जो तो उसका QR कोड होता है, उसको जो तो आपको क्या करना है, QR कोड स्कैन करना है, और उसके बाद में जो तो क्या करना है, पे यूजिंग पेटीएम UPI, उसके बाद आपको पेटीएम का जो UPI है उससे जो तो मनी ट्रांसफर करना है। उसके बाद यहाँ पर बता रहे, 10 टाइम्स एट नियर बाई शॉप्स टू गेट ₹100 गोल्ड बैक, ओनली 1 वैलिड पेटीएम UPI पेमेंट पर डे विल बी काउंटेड इन द ऑफर। मतलब कि आपको जो तो 10 टाइम जो है तो क्या करना है, पैसा ट्रांसफर करना है QR कोड स्कैन करके मर्चेंट के अकाउंट पे, और उसके लिए जो तो आपको ₹100 का गोल्ड बैक मिलेगा, और जो तो UPI से आपको पेमेंट करना है, और डेली आपको एक ट्रांजेक्शन करना है। आप अगर से डेली 10 ट्रांजेक्शन करोगे वो काउंट नहीं होगा इसमें, आपको डेली एक ही ट्रांजेक्शन करना है। उसके बाद में नीचे अगर से मैं आ जाता हूँ, तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन जो तो चार नीचे दिया गया है, स्कैन द शॉप्स QR कोड, मतलब कि आपको जो तो शॉप पर जाकर जो तो QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है। उसके बाद दूसरा जो तो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि इंटर अमाउंट मिनिमम ₹20, आपको जो तो मिनिमम अमाउंट ₹20 जो तो उसको ट्रांसफर करना है QR कोड स्कैन करके। उसके बाद जो तो सेलेक्ट द UPI लिंक द बैंक अकाउंट ऑप्शन फॉर पेमेंट, आपको जो तो पेमेंट करते समय जो तो UPI का ही यूज़ करना है। आप अगर से वैलेट से करोगे, सेविंग अकाउंट से करोगे, तो आपका जो तो ये ऑफर में जो तो आप एप्लीकेबल नहीं होगी, या फिर आपका ट्रांजेक्शन जो तो सक्सेसफुली होगा, लेकिन जो तो आपका जो ये होता है ट्रांजेक्शन वो जो तो काउंट नहीं होगा कि आपने एक ट्रांजेक्शन किया दो किया। तो आपको जो तो UPI से पेमेंट करना है ₹20। उसके बाद नीचे बताया जा रहा है, इंटर UPI पिन टू कंप्लीट द पेमेंट, मतलब कि आप जैसे UPI पर जाते हो, UPI से आप पेमेंट करने जाते हो, तो पर आपका UPI पिन मांगा जाएगा, वो आपको UPI पिन देना है, और जो तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से जो तो आपको क्या करना है, एक डेली का एक ट्रांजेक्शन करना है। जैसे आप 10 ट्रांजेक्शन करोगे, उसके अंदर जो तो आपको 100 रुपीज़ का गोल्ड बैग मिलेगा आपके जो तो गोल्ड अकाउंट में। तो उस गोल्ड अकाउंट को जो तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो सेविंग अकाउंट है पेटीएम का उसमें जो तो ले सकते हो 100 रुपीज़। नहीं तो फिर आपका जो कोई भी जो है तो सेविंग अकाउंट है, नॉर्मल HDFC वगैरह वगैरह जो सारे बहुत सारे होते हैं, SBI वगैरह, तो उनमें जो तो आप गोल्ड को जो तो सेल करके जो तो आपको अकाउंट नंबर वगैरह मांगा जाएगा, IFSC कोड मांगा जाएगा, और जो तो उसके बाद में जो तो कुछ ही देर के बाद में जो तो आपका जो तो 100 रुपीज़ का गोल्ड जो आपके सेविंग अकाउंट में जो तो क्रेडिट कर जाएगा। मतलब कि 100 रुपीज़ आपके सेविंग अकाउंट में जो तो क्रेडिट हो जाएंगे, और आपका जो तो गोल्ड का जो अकाउंट है, मतलब कि उसमें जो तो जीरो जीरो आपका गोल्ड जो तो रह जाएगा। तो ये जो तो कुछ जो तो मतलब कि ऑफर का जो तो टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको जो तो क्या करना है,
कोई भी मर्चेंट का अकाउंट जो है, तो इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कोई भी जो तो मर्चेंट का अकाउंट आपको ढूंढना है, कोई भी हो, फिर शॉप आपका नज़दीकी पहचान का होगा, उसके अंदर उसके पास जो तो डेली आपको जाना है। उसके अंदर आप अगर से 20 रुपीज़ के ऊपर का कोई सामान परचेस करते हो तो ठीक है, अच्छी ही बात है। आप जो तो डेली जो तो 20 रुपीज़ का सामान परचेस करते होंगे, तो डेली उसके पास जाके आपको जो तो उसके ऊपर का परचेस करना है कोई भी मटेरियल, और उसके अंदर आपको जो तो उसका जो तो क्यू आर कोड स्कैन करना है, उसके लिए 20 रुपीज़ पे करना है। जितना भी आपका अमाउंट होगा 20 रुपीज़ के ऊपर होगा तो अच्छी बात है, 20 रुपीज़ भी रहता है तो कोई बात नहीं। उसको जो तो यूपीआई से पेमेंट करना है, उसके बाद में जो तो डेली एक ट्रांजेक्शन करना है, डेली जो तो आप एक ट्रांजेक्शन करना है। जैसे आप 10 दिन जो तो जाते हो और 10 और ट्रांजेक्शन करते हो, आपको जो तो 100 रुपीज़ का गोल्ड बैग मिल जाएगा। जैसे आप 100 रुपीज़ का आपको गोल्ड बैग मिल जाता है, उस गोल्ड बैग को जो तो आपको सेल आउट कर देना है, और जो तो आपका जिस भी अकाउंट में आपको जो तो पैसा जो तो लेना है, तो उसका जो तो अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम वगैरह दे देना है। और जैसे आप जो तो ट्रांजेक्शन वो सक्सेसफुली कर देते हो, सेल आउट कर देते हो आपके गोल्ड अकाउंट को, तो उसके बाद जो तो आपको जो तो क्या हो जाएगा, आपका जो 100 रुपीज़ है तो आपका जो तो सेविंग अकाउंट में जो तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी तरह का ऑफर है, टर्म्स एंड कंडीशन आपको मैंने समझा दिया है, तो आप जो तो क्या कीजिए, नहीं तो फिर आपको अगर से कोई भी सामान आप परचेस नहीं करते हो, आप मर्चेंट का अकाउंट ढूंढिए, डेली उसके अकाउंट में 20 रुपीज़ जो है तो दीजिए। उसके अकाउंट में जैसे आप 20 रुपीज़ जो तो डालेंगे, QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं UPI से, उसके लिए उसी के एक भाई मुझे जो तो कैश दे, कैश आप दे दीजिए, नहीं तो फिर आप जो तो मेरे पेटीएम अकाउंट में जो रिटर्न ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आपका इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको जो तो 10 ट्रांजेक्शन करना है, उससे आपको लेना देना नहीं है। आप जो तो उससे 20 रुपीज़ कैश रिटर्न ले लो, नहीं तो फिर उससे तो पेटीएम के आपके अकाउंट में ले लो। जैसे आप 10 ट्रांजेक्शन करोगे, उसके अंदर जो तो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, और आपको जो तो 100 रुपीज़ का गोल्ड भी मिल जाएगा। उसके अंदर आपको उसे जो तो सेल आउट कर देना है, और सेविंग अकाउंट में जो तो 100 रुपीज़ का आपको जो तो आपके डिपॉजिट आपके अकाउंट में सेव 100 रुपीज़ जो तो ऐड हो जाएंगे। तो इसी तरीके का ऑफर है, टर्म्स एंड कंडीशन में मैंने आपको समझ दिया, और उसका ट्रिक भी जो तो मैं आपको समझ दिया इस ऑफर को कैसे जो तो आपको अप्लाई करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर से अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो, और आपके दिल में कोई सवाल आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज करके जरूर बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।